हाय गाइस, आज आपको पीएनबी मिड लाइफ का और एक पोल खोलने वाला हूँ। एक्चुअली बहुत सारे बंदे लोग पीएनबी मिड लाइफ के अंदर ऑलरेडी फंसा हुआ है एंड बहुत सारे एजेंट लोग बता भी रहे हैं पीएनबी मिड लाइफ के अंदर आ जाओ, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली आपको पता होगा ये जो पीएनबी मिड लाइफ पॉलिसी भेज रहा है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो एजेंट लोग बैठा हुआ है उसको भी कमीशन मिलता है, इसलिए वो लोग आपको अच्छा से समझाता है एंड आपको हाथ में पॉलिसी थमा देता है। लेकिन पॉलिसी का आपको गुड न्यूज़ दे देता है, लेकिन पॉलिसी का अंदर जो क्या बैड न्यूज़ है एंड पैसा नहीं दे पाओगे कैसे पनिशमेंट होता है उसका बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको बता देगा पॉलिसी कर दो, आपका घर में एक बुक चल जाएगा, उस बुक का अंदर सब लिखा रहेगा। चलो आपको लाइव प्रूफ बताते हैं एंड इस पीएनबी मेड लाइफ की पॉलिसी कैसे इंसान को बेच के मुर्गा बनाता है जो लोग बैंक पे जाते हैं। एक्चुअली पीएनबी मेड लाइफ पॉलिसी है क्या ये पहले समझना पड़ेगा। पीएनबी मेड लाइफ पॉलिसी ऐसा स्कीम है जो आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा 7 साल के लिए, 14 साल के बाद, 15 साल के बाद, 15 साल के बाद लगभग आपको जाके डबल में मिलेगा। लेकिन एक बात समझ लो, आपने 7 साल पैसा डिपॉजिट किया, 15 साल में जाके आपको डबल करके देगा। आपने देखा होगा मार्केट में हर प्रोडक्ट का प्राइस 5 साल 4 साल के अंदर डबल हो जा रहा है, 6 साल के अंदर कन्फर्म हर प्रोडक्ट का प्राइस डबल हो रहा है, आप देखा होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुन लो, ये जो पीएनबी मेड लाइफ का पॉलिसी एजेंट लोग जो बोल रहा है, बोल के जो बेच रहा है पब्लिक लोग को, वो एक्चुअली पॉलिसी बेचने के टाइम क्या बोल रहा है, आप सिर्फ हर साल में डिपॉजिट करो, 7 साल डिपॉजिट करना पड़ेगा और आपको डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, 15 साल के बाद डबल हो जाएगा। मतलब 7 साल भरा 15 साल के लिए डबल हो जाएगा और 7 साल के लिए छोड़ दो। देखा है कितना बेवकूफ बना रहा है। उससे अच्छा एफडी है। एफडी क्यों अच्छा है, पीएनबी मेड लाइफ क्यों बुरा है एंड पीएनबी मेड लाइफ का अंदर जो फंसा है वो कैसे निकलोगे उसका भी सॉल्यूशन है एंड पीएनबी मेड लाइफ का कस्टमर केयर में बात होने के बाद एक तो पता चला इसका अंदर एक्चुअली क्या फंडा चल रहा है। पीएनबी मेड लाइफ का जिन लोगों ने पॉलिसी कैंसिल करवाने के लिए गया है उसको ऑलरेडी एजेंट लोग बोल रहा है पीएनबी मेड लाइफ पॉलिसी कैंसिल नहीं होगा। लेकिन मैंने जब ये सुना एंड मेरे साथ भी हुआ, मैं उसके बाद कस्टमर केयर में फ़ोन लगाया, एक्चुअली पीएनबी मेड लाइफ का अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद मैंने उसको पूछा ऐसे ऐसे कांड हुआ है, पीएनबी मेड लाइफ का पॉलिसी मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ, एक्चुअली इसको कैंसिल कैसे करवाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है पीएनबी मेड लाइफ का कैंसिल करवाने के लिए प्रोसेस। लेकिन आप एक बात ध्यान से समझ लो, आप सीधा बैंक में चले जाना, क्योंकि बैंक में जाओगे जिस बंदे ने आपको पीएनबी मेड लाइफ गंदे तरीके से बता के आपको थमाया ना, उसको थोड़ा पनिशमेंट लगाओ, नहीं तो बहुत ऊंची गला में उसको बात करो, देखो सीधा होके पीएनबी मेड लाइफ का पॉलिसी कैंसिल करवा देगा। लेकिन यहाँ पे भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। जैसे पीएनबी मेड लाइफ का पॉलिसी कैंसिल करवाते हो आपको सिर्फ 30% अमाउंट मिलता है, इसका भी एक गंदा पॉलिसी एंड गंदा स्कैम टाइप का काम कर रहा है। देखो मैंने जब पीएनबी मिड लाइफ का पॉलिसी का जब कस्टमर केयर के अंदर कॉल किया, वहाँ पे क्या बोल रहा है, आप जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है उसका 30% मिलेगा। मतलब मेरा एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने बताया जो पीएनबी मिड लाइफ का पॉलिसी मैंने किया था, 1 साल के लिए पैसा पेमेंट किया, मतलब एक प्रीमियम का पैसा पेमेंट किया 50,000। 1 साल में 50,000 भरने का जैसे टाइम आया, मुझे जब समझ में आया कि पीएनबी मिड लाइफ पॉलिसी से अच्छा है एफडी, क्यों अच्छा है वो भी बताऊंगा। पहले ये वाला बात सुन लो एक्चुअली कैसे इन लोग फ्रॉड करता है। उसके बाद मैंने जब कॉल किया, कॉल करने के बाद मुझे बता रहा है आपने एक साल सिर्फ पीएनबी मिड लाइफ का पॉलिसी का प्रीमियम मतलब पैसा भरा है, नेक्स्ट साल में जैसे भरोगे आपको कैंसिल करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब इस साल में मेरे पॉलिसी का पैसा भरने के लिए टाइम था। मैंने बोला मुझे कोई पीएनबी मिड लाइफ का पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे इसी वक्त पीएनबी मिड लाइफ का पॉलिसी कैंसिल करवा के दो। वो बोल रहा है आपका शेयर पीएनबी मिड लाइफ का पॉलिसी कैंसिल नहीं होगा, आपको एक बार पॉलिसी भरने के बाद आप कैंसिल कर पाओगे। मैं उसको बताया और एक बार भरने के बाद जैसे मैं कैंसिल कर पाऊंगा तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, वो बोल रहा है आपको सिर्फ 30% अमाउंट मिलेगा। एक बात सोच लो, जब उसने मुझे बताया 30% मिलेगा, मैंने उसको सिर्फ 2 से 3 बात बताए, ये पॉलिसी मुझे 7 साल सिर्फ भरना पड़ेगा, 15 साल में जाके डबल करके देगा। आप बताओ मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो 6 साल में 5 साल के अंदर डबल नहीं हो रहा है उसका प्राइस, तो आप 15 साल में जाके डबल दे रहे हो, उसके बाद नखड़ाबाजी कर रहे हो आपका जो पैसा डिपॉजिट किया उसका सिर्फ 30% मिलेगा और नहीं मिलेगा, और पैसा किधर जाएगा। मतलब मेरा 1,00,000 रुपये हुआ है, मैं कैंसिल करवाऊंगा तो सिर्फ 30,000 मिलेगा, 70,000 वो पीएनबी मिड लाइफ वाला रख लेगा,
मैं बोल रहा हूँ एक कैसा वाला बात हुआ, मैंने बोला उसका एक कैसा वाला बात हुआ, शेयर मार्केट में करोगे पीएनबी का खुद का शेयर खरीद के रख दोगे तो वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा आपको, एफडी में ज़्यादा मिल जाएगा, तो एफडी तो उससे अच्छा है ना, उसके म्यूचुअल फंड में अच्छा होगा, मेटलाइफ में क्यों घुसा रहे हो उल्टा सीधा बोल के। मैंने ये वाला बात जब बताया, बताने के बाद एक बात यहाँ पे समझ लो, एफडी दे रहा है 6-8% इंटरेस्ट, लेकिन एफडी का अंदर हर 2-3 साल के अंदर इसका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। इसके बाद एफडी का पॉलिसी जब आप कैंसिल करवाने जाओगे आपको इंटरेस्ट भी देगा, आपका फुल अमाउंट भी रिटर्न करवा के देगा, लेकिन ये मेटलाइफ वाला क्या करता है, आपको तो फुल अमाउंट खाएगा, इंटरेस्ट का बात तो छोड़ दो। मार्केट में कितना बड़ा बड़ा स्कैम कर रहा है देखो, पीएनबी मेटलाइफ आपको दे रहा है 15 साल के बाद डबल, लेकिन पीएनबी मेटलाइफ का अंदर पॉलिसी कैंसिल करवाने जाओगे आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे उसका 30% पॉलिसी का आपको रिटर्न मिलेगा पैसा, और पैसा वो सब लोग खा लेगा, मतलब पीएनबी मेटलाइफ वाला खा लेगा। लेकिन एक साल जो आपने वेट किया है ये पीएनबी मेटलाइफ का पैसा डिपॉजिट करने के बाद, वो तो एक साल तो बर्बाद कर दिया, ऊपर से पैसा भी उन लोग खा लेगा। देख रहे हो कैसे पीएनबी मेटलाइफ का पॉलिसी बेच के स्कैम कर रहा है, एंड ये जो एजेंट लोग जो पीएनबी मेडलाइफ का पॉलिसी बेच रहे हैं एक्चुअली बैंक का अंदर, ये एजेंट लोग को भी कमीशन मिलता है। जब ये वाला पॉलिसी कोई कैंसिल करवाने आता है सिर्फ 30% आपको मिलेगा, 70% वो लोग रख लेगा पॉलिसी कैंसिल करवाते हो, और जिस टाइम आप पॉलिसी भर रहे हो उस टाइम उसको कमीशन भी मिलेगा। माने देख रहे हो ये वाला एजेंट लोग को कमीशन का चक्कर में कितना पब्लिक लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। पॉलिसी जब बेचता है ना तब आपको नहीं बताएगा, जो आपका पॉलिसी कैंसिल करवाओगे तो आपको इस टाइप का चार्ज काटेगा, एक साल जैसे भरते हो पहले पॉलिसी कैंसिल नहीं करवा सकते हो, इतना इतना जो प्रॉब्लम है इस टाइप के जो प्रॉब्लम है इस पॉलिसी का अंदर, जो कोई पॉलिसी छोड़ के जाना चाहता है उसका क्या प्रॉब्लम होगा वो नहीं बताता है, वो सिर्फ बताता है इसका गुड न्यूज़ बता देता है, लेकिन इसका बैड न्यूज़ क्या है, जो भर नहीं पाएगा उसका कैसे पनिशमेंट होगा, कैसे हैंडल करेगा, कैसे पैसा रिटर्न मिलेगा, उसका बारे में कोई मेंशन नहीं करता है। क्या बोलते हैं पता है, जैसे इस टाइप का बात करोगे वो बोलेगा आपका जो घर में जो बुक चला गया उस बुक का अंदर सब लिखा हुआ है, एक्चुअली पॉलिसी बेचने के टाइम क्या मुंह में क्या घुसा के रखा था, पॉलिसी बेचने के टाइम ये नहीं बता सकते, पॉलिसी बेचने के टाइम पैसा लेने के टाइम डिपॉजिट करने के टाइम बहुत जल्दी जल्दी करवा देता है, क्योंकि वहाँ से उसको कमीशन मिलेगा ना, जितना पॉलिसी बेचेगा उतना कमीशन मिलेगा, इसलिए वो लोग नहीं बताता है, खामोश होकर बैठा रहता है। जिन लोगों ने पीएनबी मेडलाइफ का पॉलिसी किया है कैंसिल करवाने चाहते हो तो सीधा ब्रांच में चले जाना, एंड जिन एजेंट वाले ये वाला पॉलिसी गलत तरीके से आपको हाथ में थमा दिया, बहुत जोरों गला में बहुत ऊंची आवाज़ में उसको कह देना, नहीं तो ये वाला एजेंट बहुत बदमाश होता है, आपको लमकाना निमकाना समझाते रहेगा। एक बात समझ लेना, आपका मेहनत किया हुआ पैसा है वो आपको 15 साल में जाके डबल करके दे रहा है, जब मार्केट में 2 डबल हो जाएगा वो आपको 1 डबल करके दे रहा है। सोचा है हर मार्केट का अंदर प्राइस का प्रोडिक्शन 5-6 साल के अंदर डबल हो रहा है, वो आपको 15 साल में जाके देगा, उससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड है, उससे अच्छा तो एफडी है, उससे अच्छा तो पीएनबी का जो यहाँ पे जो बैठा हुआ है शेयर वो तो बहुत अच्छा है, एफडी बहुत अच्छा है। जब चाहे आपका कोई घर में मुसीबत हो आप तुरंत पैसा निकाल सकते हो, जितना आपका बैंक अकाउंट में पैसा है सब जाके आप एफडी में डाल दोगे, कभी भी चाहोगे तो आपको एफडी का पैसा भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पीएनबी मेडलाइफ क्या कर रहा है, पूरा पैसा खा ले रहा है, एंड पब्लिक लोग के ऐसे टाइप का समझा रहा है, जिस टाइम आप इस पॉलिसी का अंदर समझ के घुस गए समझ लो फंस गए, इस टाइप का पॉलिसी बेच रहा है, निकल नहीं पाओगे इस पॉलिसी लेने के बाद, इस टाइप का प्लानिंग करके लोग पॉलिसी बेचता है। बहुत सारे देखोगे यूट्यूब में प्रमोट भी करवा रहा है, प्रमोट जब करवा रहा है उसको बोलो इसका जो नेगेटिव दिख है वो क्यों नहीं बता रहा है। हाय गाइस, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और एक इसके बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा और भी पोल खोलूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।